चलिए एक छोटा सा ब्रेक अभी लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कश्मीर में कहां हुआ आतंकी हमला। देखते रहिए जी न्यूज। तो एक तरफ जहां देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। यहां नौहट्टा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें 7 जवान घायल हो गए हैं। इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, 7 सुरक्षा बल इसमें घायल हुए हैं, खबर मिल रही है। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर के बारे में? देखिए, अभी भी फायरिंग चल रही है। नौहट्टा का इलाका है ये श्रीनगर का, जहां आज सुबह करीबन 8 बजे मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया और जिसमें करीबन अब तक 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मी है और 6 सीआरपीएफ के जवान है। फिलहाल वहां पे होल्ड अप है मिलिटेंट्स किसी बिल्डिंग में। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है और फायरिंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ कोशिश की जा रही है कि न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन इस वक्त जो है वहाँ बड़ी तनावपूर्वक स्थिति है। हालांकि ये एरिया पूरे कॉर्डन में था, इंटेलिजेंस के मौके पर यहाँ लगातार कर्फ्यू था। जी बिल्कुल, शुक्रिया खालिद अपडेट हमें देने के लिए। तो अभी भी कोशिश की जा रही है कि माहौल को तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला जाए और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे, फिलहाल एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द। लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पेशावर में आतंकी हमले में स्कूली बच्चे मरते हैं तो देश की संसद में लोगों की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया, घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी, निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था, निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था।